माताजी, एवरीवन, दंडवत प्रणाम माताजी। हरे जनक प्रणाम एवरीवन, हरे कृष्ण ओम अज्ञान श्रीराम जस्य ज्ञानंजन शिखा शुरु मिलितम तस्मै कृष्ण माता जी, श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छा कर्तव्यस्य कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग कल राधा कुंड पर थे, आज भी हम राधा कुंड पर ही हैं। हमने पूरी रात राधा कुंड पे ही निकाली। तो हमने कल पढ़ा था कि कैसे जो दिव्य राधा कुंड है उसका पूरा वर्णन आता है, कितने सुंदर सुंदर हर छोर पर झूलन है और हर एक कुंज कुंज बना हुआ है। हर सखी का जो अष्ट सखी है उन सबका कुंज बना हुआ है। हाँ बोलिए निशा जी। डिवाइन मिस्टेक हो गया था। हाँ जी, अच्छा ठीक है, उसके बाद क्योंकि जो राधा कुंड है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है। हम जान पाए हैं कि कैसे जो राधा कुंड है वो गोवर्धन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। वृंदावन में जो सबसे श्रेष्ठ है वो वृंदावन के बाद वो गोवर्धन है, और गोवर्धन से भी सबसे मानी सबसे ऊपर सबसे ऊंचा जो स्थान है वो राधा कुंड का है। और राधा बिल्कुल कुंड के बाद मानी कंपेरिजन में, राधा कुंड के कंपेरिजन में कुछ और नहीं। भले अभी हम जाएंगे देखेंगे तो हमारी जो मटेरियल आंखें हैं उनको वो राधा को नहीं नजर आए जिसके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ये बस उन भक्तों के बात लिए है जो बहुत ही है। भाव में है, यानी बहुत ही जिनकी भक्ति बहुत ऊंची है, वही राधा कृष्ण की इस नित्य लीला को देख पाएंगे, इस सुंदर कुंज को देख पाएंगे, सुंदर कुंड को भी देख पाएंगे। सब जगह वहां पे हम जब परिक्रमा करते हैं तो हम एक के बाद एक कुंड आता है, ललिता कुंड आता है, विशाखा कुंड आता है। तो इस तरह बहुत ही सुंदर है राधा कुंड। दोनों कुंड के चारों श्री कुंड के दक्षिण में चंपक वृक्ष की डालियों में रत्न के झूले लगे हैं। तो झूले भी साधारण नहीं होते हैं राधा रानी और कान्हा के, उनके झूले भी रत्न से जड़ित होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। पूर्व दिशा में कदम वृक्ष की डालियों में रत्नमय झूले, पश्चिम में आम वृक्ष की डालियों में रत्न निर्मित हिंडोले, और उत्तर में महर्षि वृक्ष की डालियों में रत्न हिंडोले लगे हुए हैं, जिस पर रसिक श्री कृष्ण श्रीमती राधिका एवं अन्य सखियों के साथ झूले पर झूलते हैं। दोनों कुंडों के चारों ओर हरे भरे फल फूलों से युक्त आम कटहल कदम महर्षि आदि कल्पतरु हैं। कल्पतरु माने हम जो भी चीज की कल्पना करें वो पेड़ हमें प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं कल्पतरु। तो जिनके मूल नाना प्रकार की मणियों से चबूतरों के रूप में बंधे हुए हैं। बहुत सारे ऋतु के अनुगत्य में सभी ऋतुएं सदा सर्वदा युगल की सेवा करती हैं। जो वसंत ऋतु है वो सबका है, वो हर ऋतु के हेड है, और उनके अनुगत्य में रहकर जितनी भी ऋतुएं हैं वो युगल सरकार की सेवा करती है। वृंदा देवी विविध प्रकार की परिपाटियों के साथ युगल सेवा के अनुरूप सारी व्यवस्था करती है। जो वृंदा देवी है उनका कार्य है कि वो सारा कुछ अरेंजमेंट करना, जैसे अभी हम इवेंट मैनेजर बोलते हैं तो वो सारा इवेंट मैनेजिंग का काम वृंदा देवी करती है। वो सब कुछ देखती है कि कैसे सब कुछ अच्छे से अरेंज है जिससे राधा रानी और कृष्ण अपनी लीला कर पाए और उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। कौन सी सखी कहाँ पे मानी कौन सी मंजरी कहाँ पे खड़ी होगी, क्या सेवा होगी किस मंजरी की, कहाँ पे कौन सा लोकेशन होगा जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण होंगे साथ में, तो वो सारा अरेंजमेंट जो है वो वृंदा देवी देखती है। वहाँ कोयले कुहकती है, मधुर मयूर जो है वो मधुर केके का निनाद करते हुए नृत्य करते हैं। श्री कुंडों में नील कमल लाल कमल तथा नाना प्रकार के
पुष्प कुंडों के तरंगों पर अच्छेलियां करते हैं तथा मट वाले भृंग जो भोरे होते हैं उन पर झंकार करते हैं। उनके जल में राजहंस, हंसी, चक्रवाक, चक्रवाती, सारस, सारसी और कलरव करते हुए विहार करते हैं। वृक्ष की डालियों पर विभिन्न प्रकार के पक्षी श्री राधा कृष्ण युगल को राष्ट्र काव्य सुनाकर उनकी प्रीति उत्पादन करते हैं, मधुर मधुर गीत सुनाते हैं। और इस वन में श्रीमती राधिका की एकांत सहेलियों के अतिरिक्त किसी का भी प्रवेश नहीं है। मैंने जो उनकी क्लोज फ्रेंड है, जो उनकी अष्ट सखियां है, बस उनका ही प्रवेश है इस वन के अंदर। और कोई भी इसमें इस वन में नहीं जा सकता जहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड है। श्री राधा कुंड के वर्तमान दर्शनीय स्थल यानी अभी वर्तमान में कौन कौन सी जगह है जिसको हम दर्शन करेंगे। अभी श्री राधा कुंड के पश्चिम में है झूलन तला, और एक समय श्री सनातन गोस्वामी एंड श्री रूप गोस्वामी राधा कुंड की उत्तर पूर्व दिशा में श्री लगादास गोस्वामी की भजन कुटी के निकट बैठे हुए कृष्ण धाम में विभोर हो रहे थे। और श्री सनातन गोस्वामी ने श्री रूप गोस्वामी से पूछा कि रूप आजकल क्या लिख रहे हो। तो श्रीला रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं चाटू पुष्पांजलि नामक स्रोत उनके हाथों में थमा दिया जो वो लिख रहे थे बैठ के। तो उसमें वो श्लोक लिखा था, न गुरु चना गौरी प्रवेर इंदी बराम बरा मनी स्तवक विद्योति वेनी व्यालंग गना पनाम, यानी कहे वृंदावनीश मैं तुम्हारी पुनः पुनः वंदना कर तुम नित्य नंद गोचर गोचरणा की भांति गौरांगी हो। सुंदर नील कमल जैसे तुम्हारे वस्त्र है, तुम्हारे मस्तक से नीचे की ओर लंबित वेणी के ऊपर मणि रत्नों से ग्रथित कवरी बंधों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। मैंने आपके जो चोटी है, लंबी वेणी है, उसको देख के ऐसा महसूस होता है मानो वो फनायुक्त काली भुजांगियां है, यानी काली नागिन है जिसके फन है। तो ये उन्होंने उपमा दी राधा रानी की वेणी को। किसने दी? शिलारूप गोस्वामी ने। तो सनातन गोस्वामी जब उसे पढ़ते हैं और बोलते हैं, रूप तुमने वेणी व्यालंगना पना पद के द्वारा श्रीमती राधिका की लहराती हुई काली बंकी वेणी की तुलना विषधर काली नागिन से की है। श्रीमती राधिका तो सर्वगुण संपन्न है, परम लावण्य है, बहुत सुंदर है, सुकोमल है, परम मधुर कृष्ण की प्रिया है। उनकी सुंदर वेणी की यह उपमा मुझे रुचिकर नहीं प्रतीत हो रही। तो श्री रूप गोस्वामी ने मुस्कुराते हुए नम्रता पूर्वक इसमें संशोधन करने की यानी इसमें कुछ चेंजेस कर देंगे ऐसे कहा। तो श्री सनातन गोस्वामी को उस समय अन्य कोई उपमा सूझी, पीछे संशोधन करूंगा उनके मन में आया कि हाँ मैं ये लिखूंगा, फिर वो सोचे कि बाद में मैं इसमें चेंजेस करता हूँ। और ऐसा कह के श्री सनातन गोस्वामी पश्चिम दिशा में इस स्थल पर पहुंचे। कुंड की पश्चिम दिशा में वो पहुंचते हैं। फिर तो उन्होंने देखा दूर पर कि कदम की वृक्ष के डालियों पर एक सुंदर झूले पर एक गोप किशोरी को झूलते हुए देखा। दूर से देखा कि एक छोटी गोप किशोरी है जो झूले पर झूल रही, और उसकी सहेलियां जो है वो सखियां वो मल्लार राग का गायन करते हुए उन्हें झुला रही है। तो श्री सनातन गोस्वामी ने उसे झूलते हुए किशोरी के लहराते हुए उनके जो वेणी है वो चोटी जो है वो लहरा रहे हैं। तो हाँ लहराते हुए वेणी म्यूट कर लीजिए सभी लोग। तो उनकी चोटी जो है वो हवा में लहरा रही है, और श्री रूप सनातन गोस्वामी देखते हैं कि उनकी चोटी के ऊपर एक फनधारी नागिन बैठी है। तो वो देख के घबरा जाते हैं और बहुत जोर से उस तरफ दौड़ते हैं और पुकारने लगते हैं, लाली लाली। तो सावधान, तुम्हारी बेनी पर काली नागिन है। किंतु जब वो निकट पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां तो ना किशोरी है, ना सखिया है, ना झूला है, कुछ भी नहीं है। तो वे उस दृश्य को स्मरण कर आनंद से क्रंदन करने लगते हैं।
मैंने उनको फील हो जाता है कि ये तो राधा रानी ही थी। तो आनंद भी है, और जब आनंद है तो उसके साथ आनंद के अश्रु भी बह रहे हैं, बहुत क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं, और फिर उल्टे पांव रूप गोस्वामी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, रूप तुम्हारी उपमा सर्वांग सुंदर है। तुमने जो श्रीमती किशोरी जी ने के बारे में लिखा है वो सही है। श्रीमती किशोरी जी ने मुझ पर अनुग्रह किया, मुझ पर कृपा की, और अपनी बंकिम वेणी का स्वयं ही, बंकिम यानी बहुत लंबी वेणी है श्री राधा रानी, तो बंकिम वेणी का स्वयं ही दर्शन कराया। उसने संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री सनातन गोस्वामी ने उसी झूला झूलन तालाब पर राधा राधा जी का दर्शन पाया था। तो वो उस स्थान की ये लीला है। नैऋत्य कोण में कदम वृक्ष के पास ही श्री राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर है, और जनश्रुति यानी लोग ऐसा बोलते हैं कि श्रीदास गोस्वामी श्री राधा कृष्ण के इस विग्रह को पुण्य संस्कार के समय प्राप्त किया था, और अकिंचन दास गोस्वामी ने इस विग्रह को सेवा के लिए ब्रजवासियों को अर्पित कर दिया। पास में ही श्री कृष्ण कुंड के वायु कुंड में, माने श्याम कुंड के वायु कुंड में, श्री श्यामानंद प्रभु के आराध्य देव श्री श्याम सुंदर जी का मंदिर है, और उसी के उत्तर में नॉर्थ साइड में श्री जीव गोस्वामी के आराध्य श्री राधा दामोदर जी का मंदिर, और उसी के उत्तर में श्री निवास आचार्य प्रभु का भजन कुटी है, और वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जी का श्री विग्रह है, और श्री श्याम सुंदर जी की पूर्व दिशा में तथा कुंड के उत्तर में श्री जानावत पुरानी का घाट है एवं बैठक है। तो पास ही श्री गोपीनाथ जी का मंदिर भी है, और पास ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का वासस्थान एवं पुष्प समाधि है। और पुष्प समाधि यानी जब हम किसी गुरुजनों को, गोस्वामी को जब समाधि देते हैं, तो उनके चरणों में जो पुष्प, समाधि देते समय जो पुष्प वगैरह जो अर्पित होता है, तो वो पुष्प वहां से उठा लिया जाता है और किसी दूसरे स्थान पे, यानी समाधि कहीं और दी गई है और किसी दूसरे स्थान पर उसी पुष्पों को समाधि करके वो पुष्प समाधि होता है। यहाँ पे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का पुष्प समाधि है, और इससे आगे श्री गोविंद देव जी का मंदिर है, और पास में श्री गिरिराज जी की जीवा रूपी शिला है, वो जो शिला है वो उनकी जीवा है श्री गिरिराज जी की, और श्री कुंड के पूर्वी तट पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटी है, और इसके पूर्व दिशा में निकट ही श्याम कुंड के तट पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटी है। और ये तो बड़ा फेमस है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का, ऐसे ओवल शेप में बना हुआ श्री रघुनाथ गोस्वामी की भजन कुटी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से आकर श्री राधा कुंड के समीप जगमोहन कुंड पर रहते थे, जहाँ एक समय होली के दिन श्रीमती राधिका सहेलियों के साथ बैठी हुई थी, शंख चूड़ अकस्मात उन्हें हरण करके ले जाने लगा। कृष्ण ने उसका वध किया और उसके मस्तक में एक मणि था, उसको निकाल ली और उसे श्री बलदेव जी को दे दिया। श्री बलदेव जी ने धनिष्ठा के हाथों से श्रीमती राधिका के पास भिजवा दिया। तो यद्यपि श्रीदास गोस्वामी पहले उक्त जगमोहन कुंड पर रहते थे, किंतु बाद में वे श्री राधा कुंड के तट पर भजन करने लगे। एक दिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी स्थान पर खुले आकाश के नीचे भजन कर रहे थे, तो वे भजन में इतने आविष्ट थे, इतने मगन थे कि उन्हें तन मन की भी सुध नहीं थी। आंखों से उनके अश्रु धारा अविरल यानी कंटिन्यूअसली उनकी आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी, और उनके मुख से कभी हा राधे शब्द निकल पड़ते थे। उसी समय श्री सनातन गोस्वामी उनके पास आ रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी ने कुछ दूर से देखा कि एक खूंखार बाघ एवं बाघिनी का जोड़ा रघुनाथ दास के बगल से होता हुआ कुंड में जलपान कर पुनः उसी मार्ग से लौट गया, मानो उसने उस जोड़े ने रघुनाथ दास गोस्वामी को देखा ही नहीं। श्री सनातन गोस्वामी श्रीदास गोस्वामी के निकट आए और उन्हें छोटे भाई की भांति बड़े प्यार से
एक भजन कुटी के निर्माण कर भजन करने का परामर्श दिया। उन्होंने स्वयं ही एक पर्ण कुटी बनवा दी और उसी में उनको भजन करने का निर्देश दिया। अब वह भजन कुटी तो नहीं है, उसके स्थान पर पक्की भजन कुटी है। उन्होंने घास फूस की कुटी बना के दी थी जो अब नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे एक पक्की भजन कुटी है। इस भजन कुटी के पास ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये पांच पांडव तथा द्रौपदी वृक्ष के रूप धारण करके भजन कर रहे। तो कल हम लोग ने पढ़ा था ना कि वहाँ पांच पांडव पांच वृक्ष के रूप में खड़े हैं जो श्याम कुंड के कॉर्नर में है, जिसके वजह से जो श्याम कुंड है वो स्क्वायर शेप में नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा सा। अभी कुछ ही दिन पहले वे वृक्ष अप्रकट हो गए हैं। इस भजन कुटी एवं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटी के बीच में भूगर्भ गोस्वामी, दास गोस्वामी एवं कविराज गोस्वामी की समाधि है। श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी वही है जिन्होंने श्री चैतन्य चरितमृत लिखा था, वही उसी स्थान पे यानी राधा कुंड के पास ही बैठे हुए। श्री राधा रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटी के उत्तर में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भजन कुटी है। कहते हैं कि उन्होंने श्री चैतन्य चरितमृत का कुछ अंश यहाँ भी लिखा था। अधिकांश भाग वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर की भजन कुटी में है। पास ही ईशान कोण में श्री गदाधर चैतन्य का मंदिर है और इस मंदिर के वायु कोण में श्री राधा गोविंद जी का मंदिर है और इसी मंदिर के प्रवेश द्वार के पास श्री गोवर्धन की जीवा शिला शिला का दर्शन होता है। एंड अब जीवा शिला के डिटेल में पढ़ते हैं। श्री दास गोस्वामी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर श्री श्याम कुंड की पूर्व दिशा में स्थित गोपी कूप के जल से स्नान करने के पश्चात श्री कुंड में स्नान करते थे। कुछ दिनों के पश्चात गोपी कूप से जल खींचते समय उसमें गोवर्धन की एक शिला निकल गई और उस दिन दास गोस्वामी वहां स्नान कर चले गए। रात में कंदरा में भजन करते समय उन्होंने स्वप्न में देखा कि वह शिला श्री गिरिराज जी की जीवा है तथा उसकी विधिवत पूजन करने का भी उन्हें आदेश प्राप्त था। तो उन्होंने उस जीवा शिला को श्री गोविंद देव जी के प्रवेश द्वार के समीप एक मंदिर बनाकर उसमें रख दिया तथा विधिवत पूजा की व्यवस्था की। आज भी यह शिला दर्शनीय है। श्री दास गोस्वामी ने तब से गोपी कूप में स्नान करना बंद कर दिया था तथा ललिता कुंड के पूर्वी तट पर एक नया कुआं प्रस्तुत करवाकर उसी कुएं के जल में स्नान आदि करते थे। वह नया कुआं अब भी है, उससे आगे नरहरि सरकार का कुंज है और ललिता कुंड ललिता नंद कुंज के स्थान पर स्थित है। विशाखा आदि बहुत से कुंडों का इसमें समावेश है। अनन्या कुंड अब लुप्त हो चुके हैं। आगे श्री राधा विनोद बिहारी जी एवं श्री सीतानाथ के मंदिर हैं। जगमोहन कुंड के पास में ही परिक्रमा मार्ग पर श्री राजेंद्र गोस्वामी की समाधि है और श्री राजेंद्र गोस्वामी ने कृष्ण विराम में यहीं पर प्राण का त्याग किया था। श्री राधा कुंड के पश्चिम में श्री राधा कुंज बिहारी गौड़िया मठ भी है और विश्व में महाप्रभु द्वारा आचरित एवं प्रचारित विमल वैष्णो धर्म एवं श्री हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने वाले जगत गुरु परमहंस परिव्राज परिव्राजा का चार्या ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने यहाँ पर श्री राधा कुंज बिहारी जी की प्रतिष्ठा की थी। तो ये हमारे शिला प्रभुपाद के भी प्रभुपाद हैं, उनके गुरु हैं जिन्होंने श्री सरस्वती गोस्वामी परिपाद जी ने यहाँ पे राधा कुंज बिहारी जी का प्रतिष्ठा किया है और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि पीठ से आगे निकट ही सप्तम गोस्वामी शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर एवं श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी की भजन कुटी दर्शनीय है। शिव खोर यानी वहाँ पे नेक्स्ट स्थान आता है शिव उद्धव कुंड से चलकर श्री राधा कुंड गांव में प्रवेश करते ही परिक्रमा मार्ग पर दाहिनी ओर यह स्थान स्थित है। कहते हैं कि
प्राचीन काल में एक समय एक शिगाली भूली भटकी जिसके समय इधर चली आई और कुत्तों ने उसे मार डाला। यह देखकर गांव वालों ने इसी स्थान पर मृत शिगाली का दाह संस्कार संपन्न किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि दाह संस्कार के समय शिगाली के शरीर से एक गुप्त किशोरी प्रकट होकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। कहते हैं कि शिराला कुंड में मृत्यु होने पर जीव को गोलोक वृंदावन की गति प्राप्त होती है। यानी अगर हमारी मृत्यु शिराला कुंड में हो जाए तो हमें गोलोक प्राप्त होगा। माल्यहारिणी कुंड या कुंड राधा कुंड के पश्चिम में, यहाँ माधवी कुंड में बैठकर श्रीमती राधिका जी ने मुक्ताओं की यानी मोतियों की माला पिरोई और श्रीदास गोस्वामी ने मुक्ता चरित ग्रंथ में इस लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। इसके प्रसंग कहता है कि एक समय कार्तिक माह में गिरिराज गोवर्धन ने दीपावली महोत्सव के अवसर पर ब्रजवासी अपनी अपनी गायों आदि को विविध प्रकार की वेशभूषाओं से सुंदर से सजा रहे थे। गोपियां भी अपने अपने घर से विविध प्रकार की वेशभूषा लाकर गौ को भूषित कर रही थी, क्या उनको सजा रही थी। श्री राधिका जी ने भी अपनी सहेलियों के साथ माल्यहारिणी कुंड के निकट माधवी चबूतरे पर बैठकर सुंदर सुंदर मुक्ताओं से नाना प्रकार के भूषण प्रस्तुत करने लगी। और इसी बीच मुक्ता यानी मोती, इसी बीच विचक्षण नामक शुक पक्षी के मुख से शुक माने तोता मुख से श्री राधिका जी द्वारा मुक्ता द्वारा विविध प्रकार के श्रृंगारों के बनाए जाने की बात सुनकर श्री कृष्ण श्री राधे राधिका जी के पास उपस्थित हुए। तो वो तोता जाकर श्री कृष्ण को बताता है कि राधा रानी अलग अलग तरह के मोतियों से बहुत सुंदर सुंदर गहने बना रही है। तो ये सुनकर कृष्ण राधा रानी के पास उपस्थित होते हैं और उनसे कुछ मोतियां मांगते हैं, किंतु राधिका जी तथा उनकी सहेली गोपियां जो है वो बहुत ही गर्वपूर्वक दो चार बातें सुनाकर मुक्ता देने के लिए निषेध कर देती हैं, कृष्ण को मना कर देती हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, सखियो यदि तुम अधिक संख्या में मुक्ता नहीं दे सकती हो तो थोड़े से मुक्ता दे दो, जिससे मैं अपनी प्यारी हंसिनी और हरिणी नामक गौओं का श्रृंगार कर सकूं। यानी मेरे पास जो दो गवे हैं हंसिनी और हरिनी, कम से कम इतनी थोड़े से मुझे मोतिया दे दो ताकि मैं इन दोनों का श्रृंगार कर सकूं। लेकिन जो हठीली गोपियां हैं वो कृष्ण की इस प्रार्थना को अस्वीकार कर देती हैं और ललिता जी तो कुछ उत्तम उत्तम मुक्ताओं को हाथों में लेकर श्री कृष्ण को दिखाते दिखाते कहने लगी, कृष्ण ये मुक्ताएं साधारण नहीं है जिनमें तुम अपनी गायों का श्रृंगार कर सको, ये बहुत ही मूल्यवान यानी बहुत ही कीमती मुक्ताएं हैं, समझे। तो श्री कृष्ण निराश होकर घर लौटे। उन्होंने मैया यशोदा से हठ पूर्वक कुछ मुक्ता लेकर यमुना के पनघट समीप की, वो यशोदा मैया से कुछ मोतिया मांग लेते हैं, फिर यमुना के पास पनघट पर उनके यमुना जी के बैंक पर जाकर जमीन को खोद खोद के उसमें मोतियां गाड़ लेते हैं, उनको बो देते हैं। तो मोतियों को उन्होंने रोक दिया, उस स्थान को चारों ओर से वो इस प्रकार घेर दिया जिससे कोई पौधे निकलने पर उसे पशु पक्षी नष्ट ना करे। बिल्कुल वो उन्होंने मोतियों को ही बो दिया और साथ में सारा जो हम लकड़ियों से घेर देते हैं उस तरह घेर दिया जिससे कि कोई पशु पक्षी आकर उसको नष्ट ना करे। और फिर श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रचुर गो दूध से यानी गाय के दूध से उस खेत की सिंचाई भी करने लगे और इसके लिए उन्होंने गोपियों से दूध भी मांगा, परंतु उन्होंने उसके लिए भी अस्वीकार कर दिया, गोपियों ने उसके लिए भी मना कर दिया। फिर बड़े आश्चर्य की बात हुई, दो चार दिनों में ही सारी मुक्ताओं में से अंकुर लग गए, मोतियों में अंकुर आ गए और देखते ही देखते कुछ दिनों में पौधे बड़े हो गए तथा उनमें बहुत प्रचुर मात्रा में फल लग गए और उनसे अत्यंत सुंदर सुंदर प्रचुर मात्रा में मुक्ताएं भी निकलने लगे यानी मोतिया भी पेड़ से उग गए। और जमुना जल भरने के लिए पनघट आती जाती हुई गोपियों ने इस आश्चर्यजनक मुक्ता के खेत को मुक्ताओं से भरे हुए देखा, वे आपस में खाना खुशी करने लगे।
और इधर श्री कृष्ण बहुत सी मुक्ताओं को लाकर बहुत खुशी से प्रसन्नता पूर्वक घर लाकर मैया के आंचल में रख दिया। फिर मैया ने आश्चर्य पूर्वक पूछा, कन्हैया तुम्हें इतनी उत्तम मुक्ताएं कहाँ से मिली? श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बातें बतलाई। अब कृष्ण सखाओं के साथ अपनी जितनी गौएं हैं उनका श्रृंगार किया, अनगिनत मुक्ताएं मालाएं बनाई और उनकी गौएं भी उन मुक्ता मालाओं से विभूषित होकर इधर उधर डोलने लगी। परंतु एक्चुअली में सिर्फ उन्होंने गैयाओं को नहीं मोतियों की मालाओं से सजाया, वहां के बंदर बंदर पशु पक्षी कबूतर जितने भी पक्षी थे कृष्ण के आसपास, उन्होंने सबको मोतियों की माला पहना दी क्योंकि उनकी खेती हो गई थी मोतियों की। तो इसलिए वो सब जितने भी थे वो सब मुक्त मालाओं से विभूषित होकर इधर उधर डोलने लगे। तो गोपियों को यह बात बड़ी ही वो सहन नहीं कर पाई गोपियां, उन्होंने भी अपने अपने घरों में छिप छिपा कर बहुत सी उनके पास जो मोतिया थी उनको रोक उनकी खेती करने के लिए उन्होंने भी अपने घर के आसपास लगा दिया, ताकि जैसे कृष्ण की खेती हो गई मोतियों की वैसे उनकी भी हो जाए। तो उसे गवों के दूध से उन्होंने भी जैसे देखा था कृष्ण कर रहे हैं वैसे वैसे उन्होंने भी किया, गायों के जो दूध ला ला के उससे सिंचन किया। फिर उन मुक्ता से पौधे भी निकले, किंतु आश्चर्य की बात है कि उनसे हिंस लता उगने लगी, यानी वहां पे जैसे कृष्ण के पौधे उगे वैसे नहीं उनमें से लता और बेल होने लगी। ऐसा देखकर गोपियां बड़ी चिंतित थी। उन्होंने सारी घटना सुनाकर श्री कृष्ण से कुछ मुक्त के लिए प्रार्थना की। अब वो कृष्ण से मोतिया मांग रही है, तो रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण अवहेलना पूर्वक मुक्ता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहले गोपियों ने मना किया था, कृष्ण ने मना कर दिया। परंतु अंत में उन मुक्ताओं के बदले उनसे उनके श्री अंगों को स्पर्श आलिंगन आदि का दान मांग लिया। इस प्रकार यह रहस्यपूर्ण लीला इस कुंड पर संपन्न होने के कारण इस कुंड का नाम माल्यहारिणी कुंड है। अधिक हमें अगर अधिक इस लीला के बारे में जानना है तो मुक्ता चरित नामक एक ग्रंथ है जिसको हम पढ़ सकते हैं। श्रीदास गोस्वामी ने अत्यंत सरसता पूर्वक इस गंभीर लीला का उसने वर्णन किया। महाभागवतों द्वारा समाधि में उपलब्ध सारे रहस्य संपूर्ण सत्य और अप्रकृत होते हैं, यानी ये सारी जो लीलाएं हम पढ़ते हैं ग्रंथों में, जो हमारे महाभागवत जो शुद्ध भक्त हैं जो परमहंस भक्त हैं उनको ये सब प्रकाशित होता है जब वो क्योंकि वो 24 घंटे भगवान के साथ लीला में होते हैं। उनका वो यहाँ शरीर से हमें दिखते हैं पर वो यहाँ नहीं होते, वो श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ लीला में होते हैं और फिर उसी लीलाओं को वो ग्रंथ में लिखते हैं। श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के कुछ प्रसिद्ध घाटे, पहला घाट है श्री गोविंद घाट, यहाँ श्री राधा कुंड के पूर्व तट पर स्थित है। श्री सनातन गोस्वामी ने इसी घाट पर श्रीमती राधिका जी को झूले पर झूलते हुए देखकर शिला रूप गोस्वामी कृत चातु पुष्पांजलि के वेणी व्यालंगना फणा पद का रहस्य हृदयंगम किया था। और यह घाट अभी 10 मिनट में ये मीटिंग एंड होगी, तब तक इसको हम कवर कर लेते हैं श्री राधा कुंड को आज। तो इस तरह श्री को यहाँ पे उन्होंने जाना था उस सच्चाई को कि राधा रानी की जो वेणी है वो सच में काली नागिन जैसी है। और यह घाट शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटी और बिहारी बिहारी जी के मंदिर के मध्य थी। उसके नेक्स्ट आता है श्री मानस पावन घाट, ये श्याम कुंड के वायुकोण में स्थित है और घाट श्रीमती राधा जी को अत्यंत प्रिय है। नेक्स्ट है पांच पांडव घाट, ये घाट श्री श्याम कुंड के उत्तर में मानस घाट के संलग्न है। इसी घाट के ऊपर पांच पांडव ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को वृक्षों के रूप में अपना परिचय दिया था। इसी घाट पर एक प्राचीन छोहरा वृक्ष है, उसने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को अपना परिचय काशीवासी ब्राह्मण के रूप में दिया था। यह वृक्ष श्री गदाधर चैतन्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर है। नेक्स्ट है चौथा घाट है मधुमंगल घाट, इसी घाट के ऊपर मधुमंगल में मंगल मधु मंगलानंद नामक श्री मधुमंगल
जी का कुंज है जिसे उन्होंने श्री ललिता सखी को अर्पण किया था। इस घाट पर ही हरिवंश गोस्वामी की बैठक। श्री जीव गोस्वामी घाट, यहाँ पर ऊपर में श्री जीव गोस्वामी की भजन कुटी है। वह प्रतिदिन इसी घाट पर स्नान करते थे। गया घाट, इसका नामांतर धन माधव गिरा घाट भी है। इसी के ऊपर श्री माधवेंद्र पुरी की बैठक एवं श्री हरी राम व्यास जी की भजन स्थली है। अस्त सखी घाट या घाट ये यहाँ गया घाट और तमाल ताल के मध्य में उपस्थित है। तमाल तला घाट या श्याम कुंड के दक्षिण तट पर स्थित है। इसी घाट के ऊपर तमाल वृक्ष के नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने तथा ग्रामवासियों ने दोनों कुंड के संबंध में पूछा था, किंतु ग्रामवासी उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने केवल पास में कालीखेत और बुरीखेत का नाम बताया था और महाप्रभु ने तमाल तला घाट पर ही महाप्रभु ने राधा कुंड और श्याम कुंड नामकरण करके उसमें स्नान किया। इस प्रकार उन्होंने महाराज वैजनाथ द्वारा प्रतिष्ठित श्री राधा कुंड श्री श्याम कुंड जगत में प्रकाशित किया। बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनके घाटों को पक्का करके बनाया। श्री वल्लभ घाट या तमाल ताला घाट जिसके पश्चिम में श्याम कुंड के दक्षिण तट पर उपस्थित है और वल्लभाचार्य अपने परिकरों के साथ इस घाट पर छोरा वृक्ष की छाया में बैठकर कुंडों का महात्म्य गान करते थे और कुछ दिन यहाँ पर रहते तथा प्रतिदिन इस घाट पर स्नान करते थे और श्रीमद् भागवत का प्रवचन भी करते। जो भी राधा कुंड और श्याम कुंड के जल में स्नान करता है उसे राधा रानी और कृष्ण का प्रेम प्राप्त। श्री मदन मोहन घाट इस घाट के और एक राधा कृपा कटाक्ष भी जो राधा कुंड में डुबकी लगा के उस समय राधा कुंड में राधा कृपा कटाक्ष का भी पाठ करना चाहिए। इसी घाट के दक्षिण में भाग में श्री मदन मोहन जी का भी मंदिर है। फिर वहां पे नेक्स्ट घाट है 11 है संगम घाट। ये दोनों कुंडों के मध्य में स्थित है। यहीं पर जो हम बीच में देखते हैं कि एक बीच में संगम बना हुआ है और एक तरफ राधा कुंड है और एक तरफ श्याम कुंड है, तो उसे कहते हैं संगम घाट। फिर रासवड़ी घाट ये श्री राधा कुंड के दक्षिण भाग में स्थित है। झूलन घाट या घाट श्री राधा कुंड के पश्चिम तट पर स्थित है। यहाँ पे राधा कृष्ण झूला झूलते थे। श्री जानवा घाट या घाट राधा कुंड के उत्तर में स्थित है और नित्यानंद श्री नित्यानंद प्रभु की पत्नी श्री जानवा ठाकुरानी के स्नान करने का घाट है। यहीं पर वे भजन करती थी और आज भी यहाँ पे बैठक जो है वो विद्यमान है। श्री वज्रनाभ कुंड या कुंड श्री कृष्ण के कुंड के मध्य में स्थित है और श्री किंकण कुंड कंकण कुंड जो राधा कुंड है राधा कुंड के सेंटर में वो जब राधा कुंड का जल होता है तो दिखाई नहीं देता, लेकिन बीच में जब राधा कुंड को खाली किया गया था तो वो कंगन कुंड दिखाई दिया जिस सेंटर में वो कुंड जिसे राधा रानी ने अपने कंगनों से खोदा था। और श्री राधा कुंड के रास मंडल, श्री राधा कुंड के दक्षिण में अत्यंत प्राचीन रास मंडल है। वहां पर रास मंडल वेदी बनी है। श्री राधा कुंड के ईशान कोण में गोविंद मंदिर के पीछे या रास मंडल है। ग्राम के उत्तर में भानुपुर के दक्षिण में या रास मंडल है। श्री श्याम कुंड के उत्तर में राधा वल्लभ घाट के उत्तर में या रास मंडल स्थित है और नंदिनी घेरा में रास मंडल है और ललित विहार जी में या रास मंडल है। श्री राधा कुंड के क्षेत्रपाल महादेव जहाँ जहाँ पे भी शिव जी है श्री राधा कुंड में, श्री राधा कुंड के नेतृत्व कोण में कुंडेश्वर महादेव, ग्राम के पश्चिम में शिवखोर के उत्तर में महादेव, श्री राधा रमन जी मंदिर में एक महादेव, श्री श्याम कुंड मंदिर में एक महादेव, श्री श्याम कुंड के अग्नि कोण में वनखंडी महादेव, माल्यहारी कुंड पे मणिमहेश्वर महादेव और वल्लभाचार्य व बैठक की पश्चिम भाग में एक महादेव जी के मंदिर हैं। तो महादेव जी का मंदिर हर उस स्थान पर मिलेगा। वो क्षेत्रपाल है, वो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो राधा रानी और कृष्ण की रक्षा के सिक्योरिटी गार्ड है। तो इस तरह 7 महादेव जी के मंदिर हैं। तो हम आज अपनी यात्रा को यहाँ पे पॉज करेंगे एंड कल हम श्री गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरु भयस्य कृपा सिंधु भय वचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी हरे को मेरा दंडवत प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा हरे कृष्णा जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रणाम भारती माता हरे जी, दंडवत प्रणाम सुदेश माता कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम हरे एवरीवन। हरे कृष्ण। होप आप लोग को अच्छा कृष्णा। लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा दीदी।
कल हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, आज हम राधा कुंड में रुकेंगे। जी हरे कृष्णा। जी